नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। मैं अजीत शर्मा। बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। खबर जयपुर के रामगंज मोड़ से, जहां सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बोर्ड परीक्षा में दसवीं और बारहवीं के तमाम वह विद्यार्थी जो 80 से लेके 98% तक 98% तक अंक अर्जित करने में कामयाब हुए हैं, जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है। दिन था उनके आज सम्मान के लिए खड़े स्कूल प्रबंधक, स्कूल की प्रबंधक निदेशक डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज, जिन्होंने उन तमाम छात्र छात्राओं का फूल माला पहनाकर, साफवा बांधकर और मिठाई खिलाकर उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत, लगन और निष्ठा से हर व्यक्ति, हर बच्चा इसी तरीके से अपना परचम हर जगह लहराने में कामयाब हो सकता है और वह देश, समाज और परिवार का नाम रोशन कर सकता है। यह करके दिखाया है सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने। इस मौके पर डॉक्टर स्नेहलता भारद्वाज ने अपने सभी शिक्षक साथियों का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि वह विद्यार्थियों के साथ बोर्ड परीक्षा के दौरान भावनात्मक रूप से जुड़कर के लगातार उनका उत्साहवर्धन करने में साथ खड़े रहे। इस अवसर पर मुस्कान 98%, पलाक्षा 92%, सपना, नौसीन, लुबिना, सुशील, खुशबू, आलिया, आबिदा, विक्टर, प्रिया, अंजू, आंचल आदि विद्यार्थी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने इस सम्मान को हासिल किया। नमस्कार, मैं स्नेहलता भारद्वाज, सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल। और आज जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे राजस्थान में आज रिजल्ट आया है और आज रिजल्ट आया है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का ट्वेल्थ का। तो इस रिजल्ट में सभी, पहले तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहूंगी। जो बच्चे पास हुए हैं और जो बच्चे फेल हो गए किसी भी कारण से, वो निराश ना हुए, कोई नहीं, हमेशा हार और जीत एक चीज होती है, अपना हौसला रखें और फिर दोबारा एग्जाम दें। और आज हमसे सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जुड़े हमारे वो बच्चे जिन्होंने टॉप किया है। पांच बच्चे हमारे हैं जो 90+ है, 92-91 वाले हैं, उसमें एक अपलाक्षा भाटी और एक अभी अल्पेश, सपना राज, लुबना ये अभी आए नहीं है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपलाक्षा क्या कहना चाहोगे आप? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सरस्वती स्कूल और उनकी फैमिली को, उनके स्टाफ को, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, कभी भी हमें प्रेरणा महसूस नहीं होने दिया, बहुत अच्छी गाइडेंस की, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में कुछ कहना चाहिए। हर एक कदम पे, जहाँ भी हमें गाइडेंस की कमी पड़ी वहाँ पे आगे आए और हमें गाइड करें। और आज हमारे साथ दोनों बच्चे जुड़े हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे और जुड़ेंगे, जिन बच्चों ने टॉप किया है और जिन बच्चों ने 12th क्लास पास किया, वो सारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे। और फिर मैं दोबारा एक संदेश देना चाहूंगी कि हारे नहीं, परेशान ना हो, कोई बात नहीं, इस साल नहीं, अगले साल अगर कोई बच्चा रह गया है तो वो जरूर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ललित जोनवाल। और ललित बैरवा की एक बात बहुत अच्छी है कि बहुत सीरियस रहा है क्लास में,
और बचपन से सरस्वती विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा है और आज हमारे साथ ये जुड़ा हुआ है क्योंकि इसने 10th बोर्ड में 96% पास किया है और इसकी जवानी हम सुनना चाहेंगे कि किस किस का सपोर्ट रहा आपके सपोर्ट में। सबसे पहले तो हमारी क्लास के टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया मुझे, और हमारे फैमिली में जो हमारे भाई हैं और मेरी पापा मम्मी हैं सब ने बहुत सपोर्ट करा था। हमारी फैमिली में हमारे भैया और सब पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने भी खूब समझाया था कि कैसे पढ़ना है, कैसे तेरे को कवर करना है, जो चीज़ नहीं है वो किससे पूछनी है, कितनी पूछनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, सब उन्होंने ही समझाया था और रोज़ पढ़ के ये हुआ है, नहीं तो नहीं हो पाता। और सबसे अच्छी बात हमारी गणित की रही है कि ये पूरी क्लास को साथ रखता है। और हमारी दादी थी जो हमें शुरू से ही साथ लेके चल रही थी, उनकी वजह से भी आज मेरे इतने परसेंट बने हैं। थैंक यू ललित की बहुत अच्छी बात मैं बताना चाह रही थी। इतनी अच्छी बात है कि पूरी क्लास का एक तरह से मैं कहूँ कि लीडर ये रहा है और लीडर ऐसे कि इसे पूरी क्लास को साथ लेकर चला, यानी कि सभी को पढ़ाता था। और इसकी क्लास का सबसे अच्छी बात है कि 100% रिजल्ट रहा है क्योंकि इसकी मेहनत का 100% रिजल्ट में ज्यादा थी। टीचर्स पढ़ाते हैं, सभी को पढ़ाते हैं, लेकिन इसने भी अपने साथियों की, अपनी क्लास में बहुत मदद की और आज सारे बच्चे इसने क्लास के पास में हैं। बहुत धन्यवाद ललित आपको, आपने तो मेहनत करी, साथ में आके क्लास के बच्चों के साथ भी